सो गाइस आई होप सो इट्स बीन बैक इन वीडियो। आज अपन हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं कि आज शाम को हमारी बिट बीएनएस के सीईओ के साथ एक लाइव इंटरेक्शन हो सकती है। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आ एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि जब भी हम वो इंटरेक्शन करेंगे इट्सेल्फ सीईओ के साथ तब आप उसे लाइव देख पाओ एंड ऑल्सो क्वेश्चन एंड आंसरिंग भी उसमें हम करेंगे। ओके, बात करते हैं शिबा इनू के बारे में। हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी रिसेंटली ये आया है, यहाँ पर बाइनांस पे भी आया है। तब मैंने दिखा था कि हाउ टू बाय फ्रॉम बाइनांस, इसलिए मैंने कहा था कि बाइनांस से खरीदो। ओके, बाइनांस से खरीदो, वजरेक्स पे मत जाओ, क्योंकि वो जब लिस्ट होगा था बहुत केओस हो गया था, फिर बहुत से लोगों ने एक दो रुपए पे भी ले लिया था। इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा रिसर्च करके बाय किया करो। जब भी फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वीडियो पहले आपने देख ली होती तो आपको पता होता कि शिबा इनू की शिबा को बाय कैसे करना है, उसके एक्चुअल प्राइस क्या है, और आप वो दो रुपये में एक रुपये में बाय करने की गलती नहीं करते। इसलिए जब भी बाय करते हो थोड़ा रिसर्च किया करो, पैसा डाल रहे हो थोड़ा रिसर्च किया करो। इसलिए आज हम थोड़ी आपको बात बताने वाले हैं शिबा इनू के बारे में, क्या आपको ये लेना चाहिए। ओके, अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर शिबा इनू करेंटली जब बाइनांस पे आया था उसके बाद से इसने एक रैली दिखाई थी, उसके बाद वापस अभी उसी अराउंड ट्रेड कर रहा है। ओके, इसने फिलहाल सपोर्ट तो पकड़ा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सपोर्ट तो पकड़ा है। यहाँ पर एक बार इसने ब्रेकडाउन करने की कोशिश की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, यहाँ पर भी कोशिश की थी लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं था। ओके, वापस हम देख रहे हैं यहाँ पर ये इस पैटर्न में, जिस पैटर्न में गिर रहा था वहाँ से तो निकल चुका है, वहाँ से तो निकल चुका, यानी इसने जो बेरिश कंटिन्यूटी थी वो तोड़ चुका है, लेकिन अभी इस प्राइस पॉइंट पे ये करेंटली कंसोलिडेट कर रहा है यानी वापस ये ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखना पड़ रहा है यहाँ पर कि ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। ओके, फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें शिबा इनू की कि क्या ये एक्चुअली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो दैट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट दैट मच फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। बस ये एक मीम करेंसी टाइप है, जैसे डॉज कॉइन बना है वैसे ही मीम करेंसी के टाइप है, बस इसकी हाइप है। इसलिए अगर इसकी हाइप और हुई देन हम इसे और भी लेवल्स के ऊपर आते हुए देख सकते हैं। करंटली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकडाउन करता है या नहीं करता। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो हमें और इसके नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन किया, अगर इसने यहाँ से ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर वापस एक सपोर्ट है छोटा सा। ओके, यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर यहाँ से बाउंस बैक मारता है, अगर यहाँ से बाउंस बैक मारेगा तो वापस ये जो यहाँ पर सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड वहाँ पे टेस्ट करने आएगा एंड फिर वहाँ से जो वहाँ पर मूव आएगी एक तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो ये यहाँ से वापस यहाँ नीचे आ सकता है। ओके, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन मारता है या नहीं मारता। अगर इसने यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये फर्दर कंसोलिडेशन जोन में रहेगा या तो यहाँ से एक बड़ी रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक मीम करेंसी टाइप है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि वो रिस्क होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा, आपको पहले बता देता हूँ, दैट कैन बी अ वेरी बिग रिस्क। ओके, इसलिए अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा ही अमाउंट करो एंड दैट वुड बी लाइक अ गैम्बल, इसमें इन्वेस्टिंग इज लाइक अ गैम्बल। अगर इसकी हाइप बड़ी अच्छी हाइप चली तो ये और ऊपर जाएगा, अगर इसकी हाइप खत्म हो गई तो कोई नहीं बता सकते इसका क्या होगा। ओके, एक तो ये बहुत चीप करेंसी है, यानी चीप करेंसी है नॉट इन वैल्यूएशन, इन मनी, इन अ वैल्यू, इन मॉनेटरी वैल्यू वो चीप करेंसी है काफ़ी। अभी आप देख सकते हैं इसका 0.000034000 USDT में मिल रही है। ओके, यानी ये ऑलमोस्ट 0.001 रुपी में होगी, थोड़ा मेरा मैथ्स अगर अच्छा होगा तो। ओके, उतने में मिल जाएगी, 1.13 या 1.215 ऐसे इसमें मिल जाएगी रुपीज़, वो भी 0.00। यानी आप देख सकते हो ये दिस इज़ वेरी मच, यानी बहुत चीप करेंसी इन द वैल्यू ऑफ। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कॉइन मिलते हैं, लोगों को लगता है अरे बहुत ज़्यादा कॉइन मिल गए मुझे, तो ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पर। आप इसे हमेशा जब इन्वेस्टेड अमाउंट है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया करो, नॉट इन रुपीज़। यानी ये 100 रुपया है तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, ये 10 रुपया है तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। उसकी आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरह वैल्यू निकालनी चाहिए। थोड़ा फंडामेंटल्स है क्रिप्टो के, जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा यहाँ पर रिसर्च किया करो। ओके, इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान से करो, इट इज़ लाइक अ गैम्बल, इसलिए यहाँ पर ध्यान से
प्रॉपरली रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। रिसर्च तो मैंने आपको बता दी क्या है, दिस इज़ नॉट अ ग्रेट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, दिस इज जस्ट अ मीम करेंसी। अगर हाइप हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, अगर हाइप नहीं हुआ तो कोई नहीं बता सकते इसका क्या हो सकता है। ओके, इट्स अ हाउस वाइज पर्सन।